उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है। कांवड़ यात्रा की रूट में पड़ने वाले जगहों में खाने पीने और फल की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अपने अपने नाम लिखकर डिस्प्ले करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, अपने दुकानों या होटलों पर काम करने वालों का नाम भी लिखने का आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानों ठेलों पर अपना नाम लिखें, जिससे कांवड़ यात्री जान सके कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। सीएमओ के मुताबिक कांवड़ यात्रा की आस्था की सुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। योगी सरकार के इस फैसले का असर भी दिखने लगा है। कांवड़ रूट वाले दुकानों के नाम बदले जाने लगे हैं, यहाँ तक कि फल बेचने वाले भी अपने ठेले पर अपना नाम लगा रहे हैं। अलग अलग जगह पर खुद अधिकारी भी जाकर दुकानदारों को इस बारे में दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है शीतल फूड कॉर्नर। ये जो फूड कॉर्नर का जो होटल है, इसके स्वामी मजाहिर मुखिया जी हैं, जो कि एक नेता है, जो इस समय शायद बसपा में है। सहारनपुर में इस तरीके के हाईवे पे बहुत से ऐसे ढाबे हैं जिनमें जिनके ऑनर मुस्लिम है और नाम हिंदू है। इस उस पर फूड विभाग के कोई व्यापारी, फूड विभाग के अधिकारी आए जो इसकी चेकिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से, सर आप क्या नाम है? सर ऐसा है कि मेरा नाम जगदम्बा प्रसाद है, हमारे साथी जवाहरलाल जी है। हम लोग इसको चेक रेड लिस्ट लगाएंगे, इनको डायरेक्शन देंगे कि इस पर प्रोपरेटर अपना नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करे अपने साइन बोर्ड पे, और रेड लिस्ट हम लोग लाए हैं उसको इसको लगवाएंगे। हाँ, ये और अगर इस तरीके से अगर नहीं करता तो उस पर क्या कोई कार्रवाई का है? नहीं, हम लोग करवाएंगे ना, अभी इनको बात करके इनको डायरेक्शन देते हैं इस चीज को कि इस पर अपना नाम और स्पष्ट लिखे प्रोपरेटर, उनका नाम पता इस पर आना चाहिए इसके फ्लेक्सी वगैरह पर। ठीक है, फूड अधिकारी से बात हुई, उनका कहना है कि मैं हम लोग आए हैं, हम लोग देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जो इस तरीके के होटल ढाबे हैं उनके नाम और उनका लाइसेंस चेक कर रहे हैं, उसके बाद एक रेस्ट लिस्ट लगवाएंगे और उनके स्वामी का नाम यहाँ लिखवाएंगे। ये कार्य हम कर रहे हैं क्योंकि हमें निर्देश है योगी सरकार के कि कोई भी शिव भक्त कांवड़ लेकर जो जा रहा है उसके उपास में कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए जिससे उसका उपास टूट जाए। सरकार के इस फैसले के बारे में दुकानदारों ने भी अपनी बात रखी है। दुकानदारों ने कहा है कि इस फैसले से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो फल का ठेला लगाते हैं, कब से फल का ठेला लगाते हैं? 3 साल हो गए। कभी आपने नाम लिखा है? क्यों लिखा है? क्या वजह रही नाम लिखा? जी, ये प्रशासन का ऑर्डर था, प्रशासन ने कहा था, पुलिस वाले आए थे जी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने नाम के साथ यहाँ आगे लगा लो पोस्टर का, बोर्ड का। पहले भी कोई आदेश आया? नहीं, पहले तो नहीं आया, अभी आ गए। इससे सेल पे कितना फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, जैसा पहले था अब भी ऐसा ही है। सब भाई ले आ रहे, हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी, सब ऐसे ही है, पहले जैसे ही। वे भी लेके जाते हैं, वे भी लेके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सही मानते हैं, गलत मानते हैं? जो कर दे, हम तो जैसा ऐसा ही पहले था, ऐसा ही अब भी है, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठेला ही लगाओ जी, हम तो कई साल हो गए जी, हमें तो लगाते हैं। ये प्रशासन का आदेश ही है जी, जैसे कि कहने लगे, बोला कोई चीज लेता है तो वो देख के लेगा कि हिंदू से लेनी है या मुसलमान से लेनी है। उन्होंने ये कहा था, कहने लगे इस पे अपने नाम की तख्ती लगवाओ ठेले पे जी। आप हमारे लगवा ली, वो लग रही उधर। नहीं, पहले कोई ऐसा आदेश नहीं आया जी। भाई जी, देने वाला तो ऊपर वाला है, सेल पे तो फर्क पड़ता ही है, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। पहले कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई कोई देख के लेगा कि वो मुसलमान है या हिंदू है जी। जी हाँ, खरीदते हैं हम, पल्ली तरफ जाते हैं, मैं पल्ली तरफ से लेते हैं, पर अब तो ठेले पे तख्ती लग गई, पता नहीं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। सब तो ये कह रहे हैं कि नाम से भाई, मुसलमान के नाम से और हिंदू के नाम से, पर ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान सबका ही है, सबका अधिकार है जी, हिंदू का भी है और मुसलमान का भी है। कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के लिए दिए गए आदेश को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी इस फैसले का बचाव कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस फैसले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साध रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में
बहुत बड़े पैमाने पे कावड़ निकलती हैं, कावड़ यात्राएं निकलती हैं, और उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा गंभीर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने फीडबैक देते हैं उनको, वैसे वैसे वो कार्रवाई करते जाते हैं। तो इस बार जो एक नया आपने देखा ये आदेश हुआ है कि सभी दुकानदार अपने दुकानों पर अपने प्रोप्राइटर और मोबाइल नंबर्स लिखेंगे, प्रोप्राइटर के नाम लिखेंगे जिन रूट से कावड़ यात्रा गुजरेंगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे लाखों लोग कावड़ लेकर निकलते हैं, और इसकी व्यवस्था हमेशा से आदरणीय योगी सरकार में बेहतर से बेहतर की गई है। पिछले 7 वर्षों में या 8वां वर्ष है जब से हम देख रहे हैं सरकार में, आदरणीय योगी सरकार में, तो बेहतर व्यवस्था देने का काम करते हैं, क्योंकि पहले भी और भी जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे अभी मुहर्रम का कार्यक्रम भी हुआ, बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ, पूरे प्रदेश में कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और सौहार्द के साथ हुआ, तो इसको भी सौहार्द के साथ में हो, अच्छे से हो, सुरक्षा की दृष्टि से और आस्था की दृष्टि से किसी को कोई परेशानी ना हो, और सभी लोग, किसी को अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है, सरकार सुरक्षा भी दे रही है, व्यवस्था भी दे रही है, तो इसलिए ये भी एक कहना चाहिए, सौहार्द का भी संदेश है कि आप अगर बढ़ चढ़कर उनको पानी पिलाते हैं, उन पर फूलों की वर्षा करते हैं, जिस तरह से तमाम इस तरह के आपको वीडियोस भी आते हैं, ये अच्छी चीज है, अच्छी पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए 76 साल होगा हिंदुस्तान को आजाद हुए हुए, हिंदू भाई मुसलमानों के यहाँ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मुसलमान हिंदू भाइयों के यहाँ जाते हैं, हमारी परंपराएं हैं, प्यार मोहब्बत की परंपराएं, ऐसे आदेशों से कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिवीजन होता है। आप वो हिटलर के जर्मनी वाले पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बायकॉट करने के लिए इस तरह के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इस तरह से कोई बायकॉट ना तो होगा ना ये पॉसिबल है, लेकिन देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल में बिगाड़ होगा, देश को इसका नुकसान होगा। कितने हमारे हिंदू भाई मांसाहारी हैं क्या आपको हमें पता नहीं है? क्या आप ये भी आदेश पारित करेंगे कि सारे हिंदुओं को शाकाहारी होना चाहिए ज़बरदस्ती? ऐसा भी कर दिए? देखिए बहुत ही निंदनीय काम है, असंवैधानिक काम है। भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पार्लियामेंट के चुनाव में हार से कोई सबक नहीं सीखा है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। क्या मुसलमानों की दुकानें हिंदुओं की वजह से और हिंदुओं की दुकानें मुसलमानों की वजह से चल रही हैं? आपस में मिलके दुकानों पे जाते हैं, और हलाल तो सिर्फ गोश्त होता है। जो लोग उस जमाने में सावन में कावड़ियां आते हैं, क्या वो गोश्त खाते? वो तो नहीं खाते। वो हलाल हो के हराम हो, फिर हलाल हराम का सवाल कहां उठता है? गाजर तो हलाल नहीं की जा सकती ना, पालक तो नहीं किया जा सकता, भिंडी तो नहीं की जा सकती, आटे की रोटी तो हलाल हराम नहीं हो सकती। ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है, और ये लोकतंत्र नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। आपको लगता है कि जिस स्वागत किया जाता है, खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है, उन सब चीजों में एक दरार? जाहिर है हर जगह देखा जाता है कि मुसलमान वेलकम करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, अब वो डरेंगे उनको खिलाते पिलाते? योगी आदित्यनाथ तो किसी को भी पकड़वा के बंद करवा के झूठा मुकदमा लगवा देंगे कि ये तो हलाल चीज खिला रहा था। क्या देश इसी बात के लिए जाना जाता है? योगी आदित्यनाथ अगर कुछ दिन और रह गए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हिंदू मुसलमान के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देंगे जैसे हिटलर ने यहूदियों और दूसरे लोगों के बीच में खड़ी कर दी थी। हालांकि अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी बीच सीएम योगी का आदेश भी आ गया है, जिसमें उन्होंने ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्देश दे दिया है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।